Hi, assalamu alaikum. So it's around 11:52 and I'm in Medina city. Thodi bahut shopping chal rahi hai, aap bhi dekh lijiyega what I am purchasing this late night because abhi bahut kam time baki hai mera yahan se nikalne ke liye Medina se Mumbai ke liye. So I'll show you what's happening. Aur abhi to bahut acha view hai yahan pe. Have a look. Main back camera se dikhata hu. और यहाँ पे तो असर का टाइम, असर की जब नमाज़ पढ़ने आता हूँ तो माशाल्लाह मेरे को तो बहुत दिल से बहुत सुकून मिलता है यहाँ पे देख के दिस व्यू. दिस इज़ एन 360 व्यू मैं ले लेता हूँ. उस तरफ है मेरा होटल, इस तरफ रेड वाली जो लाइट है. रात का टाइम है तो हम लोग थोड़ा हैंग आउट कर रहे हैं. तीनों तरफ होटल्स है, बीच में मस्जिद अल नबी और उस तरफ कब्रिस्तान है. सो दिस वॉज द शॉप जहाँ से मैंने फर्स्ट अजवा खजूर लिए थे. अवाली अजवा मतलब जो मदीना के बाउंड्रीज में ही होते हैं, नियरेस्ट बाउंड्री में. दैट कॉस्टेड मी अराउंड 65 रियाल पर के जी, अप्रॉक्सीमेटली 1500 और अबाउ इंडियन रुपीज. अजवाल मदीना सब शॉप्स बंद हो रहे अभी एंड ऐड मोस्टली यहाँ पे 1 बजे तक, रात के 1 AM तक सारे शॉप्स बंद हो जाते हैं. यहाँ से हम गए कैब पकड़ के अलबैक. सो वो 2 बजे तक चालू रहता है एंड इफ़ यू आर एवर इन मदीना ट्राई कर लीजिए आप भी. अलबैक काबा साइड की तरफ है. नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम गए अलंसार शॉप में. ये एक ब्रांड का शॉप है जो मोस्टली सारे चॉकलेट्स होते हैं. यहाँ पे ये वाले जो बॉक्सेस हैं ना आपको हर शॉप्स में दिखाई देंगे, अल अंसार. तो ये मैं डायरेक्ट वो आउटलेट में ही गया था. सो यहाँ से जो आप मोस्टली जिस किसी को भी मैंने चॉकलेट्स दिए थे वो यही शॉप पे, अल अंसार शॉप पे ही थे. बहुत ज़्यादा वेराइटी थी इधर एंड आई रियली लाइक्ड. मैं नेक्स्ट टाइम जाऊँगा तो फिर भी इधर जाऊँगा. बहुत अच्छा है इनके शॉप्स में. टाइम कम होने के कारण हम असर के बाद चले गए बिलाल मार्केट, जो उसे गोल्ड मार्केट भी कहा जाता है बिलाल मॉस के पास. सो वो बहुत वेल नोन मार्केट है फॉर गोल्ड. सो दिस इज़ हाउ गोल्ड मार्केट इज़. और मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगा, बार्गेनिंग भी होती है यहाँ पे एंड और जो डिज़ाइंस है वो तो बहुत गजब के डिज़ाइंस है यहाँ पे. इफ़ यू हैव नॉलेज रिगार्डिंग दिस गोल्ड एंड ऑल, दिस प्लेस इज़ वेरी गुड फॉर यू. देन थोड़ा लैंग्वेज बैरियर भी होता है, बट बाकी के जो दूसरे शॉप्स में ही जो काम करते हैं दे थोड़ा बहुत हैंडल कर लेते हैं उर्दू बात करने के लिए. सो और डिज़ाइंस की बात की जाएंगे तो 50-60 ग्राम्स मतलब 5-6 तोले में तो आपको बहुत अच्छे से अच्छे डिज़ाइंस मिल जाएंगे. आप मैं तो बहुत चाहता था कि वहाँ से लेके आओ, बट आफ्टर ऑल इंटरनेशनल रेस्ट्रिक्शंस के कारण मैं नहीं ले पाया. बट आई रियली एन्जॉयड दैट और ऐसे एक्सपीरियंस तो मुझे बहुत अच्छा लगा, लाइक शोइंग स्किल्स इन बाइंग एंड कम्युनिकेटिंग विद दिस पीपल. ये वाला लिया है. So mom happy? Happy? और यहाँ पे मेरा बिलिंग भी हो गया था. यहाँ पे अपने कार्ड्स भी चलते हैं, इंटरनेशनल फॉरेक्स कार्ड्स होते हैं वहाँ, वो भी चलते हैं. सो ये डिज़ाइन मुझे देखते ही बहुत काफ़ी अच्छा लगा था. और जब मैंने इसका वेट पूछा था उनको फर्स्ट टाइम जब मैं ये शॉप में गया था देख के, और जब उन्होंने मुझे वेट बताया था इसका तो आई वॉज रियली शॉक
मैं खुद सरप्राइज हुआ था, मैं खुद ऐसे रिएक्ट कर रहा था कि इतना सस्ता मिल रहा है करके। वो शॉप ओनर भी पहचान लिया भाई, लाइक अलग ही। उस टाइम में मैं खुद शॉक हो गया था कि ये इतना, मतलब ऐसे वेट में यू आर गेटिंग दिस। एंड माय बजट वाज आल्सो गुड टू बाय। मैंने कुछ सोचा ही नहीं, मैंने सबसे पहले वही ले लिया। मैंने मेंटालिटी बना ली थी कि मुझे वही लेना है करके। एंड दिस वाज द अमेजिंग थिंग हैपेंड दैट डे। आई आल्सो हैव बीन टू बिन लादेन, सॉरी बिन दाऊद, ओके, एंड देन बंगाली मार्केट, तैबा मार्केट ओवर देयर। बट मुझे वहाँ पे मोस्टली ज़्यादा चीज़ें पसंद नहीं। आई हैव इवन बीन टू दिस नूर मॉल, ओके, एंड वहाँ पे एक शॉप था, अच्छा था। सो दिस वर द शॉपिंग प्लेसेस आई हैव बीन इन मदीना। और देन नेक्स्ट डे हम लोग निकल गए मुंबई के लिए, उसका भी व्लॉग मैं अलग से डालूंगा। आज के व्लॉग में थोड़े क्लिप्स कम थे, मैंने रिपीट किए हुए हैं बिकॉज मेरा कुछ मेंटालिटी नहीं था उधर व्लॉग बनाने का। जस्ट मुझे वो तो गोल्ड शॉपिंग होने के बाद मैंने जैसे एक ऐसे ही वीडियो निकाला था वो शॉप का। सो इसके लिए मेरा कोई इंटेंशन नहीं था व्लॉग बनाने का उस टाइम में। और अगर चर होता पहले से तो आई वुड हैव रियली बीन बहुत अच्छा व्लॉग बनता, क्योंकि वहाँ पे बातें करने में बहुत अलग ही मज़ा है। बिकॉज आई यूज़ टू कम्युनिकेट देम विथ इंग्लिश, और उन लोगों को हिंदी नहीं आती थी, ना के बराबर था, उर्दू भी नहीं थी। द ओनर ऑफ द शॉप यूज़ टू स्पीक इन अरेबिक, बट ही वॉज क्वाइट एजुकेटेड, सो ही वॉज स्पीकिंग कम्युनिकेटिंग विथ मीन्स इंग्लिश, अच्छी खासी बोल रहे थे। तो इसके लिए वो बहुत अच्छा था एक सीन, बट वो मैं शूट नहीं कर पाया। अगर कोई मेरे साथ होता तो शायद शूट कर पाता। उस दिन बहुत ज़बरदस्त था, मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करता हूँ मदीना से मुंबई वाली जर्नी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर शोइंग द लव।